हम मौजूद हैं छपरा शहर के बस स्टैंड में। यहाँ काफ़ी पुराना एक शिव मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं जिले में आपको बहुत कम ही जगहों पर पंचमुखी शिवलिंग से दर्शन होगा और यह लिंग अपने आप में खास है। यहाँ बाबा अभी श्रृंगार कर रहे थे, आप देख सकते हैं पंचमुखी लिंग का दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी अपने आप में खास है। पंचमुखी लिंग से पूजा करने से क्या फ़ायदा है, कौन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, हम यहाँ के पुजारी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, स्थानीय लोग से भी बात करेंगे। यहाँ के लिंग जो है अपने आप में खास है, बाबा हैं बात करेंगे। बाबा पंचमुखी लिंग को क्यों लोग पूजा करते हैं, कब से? सबसे पहले सभी भक्तों को हर हर महादेव और हमारे तरफ से सबको ढेर सारे शुभकामना और आशीर्वाद। मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जब द्वापर में त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ उस समय भगवान शिव ने पंचमुख रूप में आए, ऐसा शास्त्रों का मानना है कि भगवान के बालक स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने और इस संसार के तरणहार राम जी के दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने पंच रूपी रूप में आए और उनका पंचमुखी नाम भी पड़ा। जैसे उनका नाम है सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान इत्यादि उनका पांच मुखों का नाम है और इसी पांच मुख से पंचतत्व भी हुआ, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सब की रचना भगवान शिव के पांचों मुख से ही होती है। और बताते चलें कि भगवान के जो पूर्व मुख है उसका नाम है सद्योजात, उसके पूजा करने से सभी भक्तों का अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि जो भी आप कामना रखते हैं और किसी कारणवश आपका कामना पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसे पंचमुखी महादेव का पूजन करने से, उनके पूर्व मुख के पूजन करने से आपके समस्त बिगड़े काम बन जाते हैं। उसी तरह माने कोई बहुत ज़्यादा रोग से व्याधि से ग्रसित है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही कष्ट में है, ऐसे भक्त उनको क्या है वामदेव भगवान का, उनके जो मुख का नाम है वामदेव, ऐसे मुख का पूजन करते हैं जो कि पश्चिम मुख को उनको कहते हैं। भगवान शिव का पश्चिम मुख के पूजन करने से समस्त विघ्नों का और रोग का शमन होता है, ठीक ना। इस तरह भगवान शिव का पांच मुख के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। मतलब सभी लोग बाबा का दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भक्त जिस कामना से भगवान शिव का पूजन करेगा भगवान महादेव उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा मानना है शास्त्रों का कि जो भी भक्त जिस कामना से भगवान शिव का महादेव का पूजन करता है वह पंचमुखी महादेव उस भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति और आरोग्यता आती है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पंडित श्री रामकिशोर द्विवेदी है और भगवान महादेव की कृपा से मैं इसी बार TYT2 में BPSC शिक्षक भी हूँ, एक हसनपुरा महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ और भगवान का नित्य सेवन भी करता हूँ। जी साय सुबह भगवान का पूजन पाठ मैं भी करता हूँ। जी शुभ नाम क्या बताएं? रामकिशोर द्विवेदी मेरा नाम है। तो ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और ये अभी फिलहाल इनका जॉब भी हो गया है। आपको इधर दर्शन कराना चाहूँगा, इधर आप देख सकते हैं शिल्पकार विश्वकर्मा जी का प्रतिमा है और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का भी मूर्ति है। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर काफ़ी छोटा था लेकिन इस मंदिर को अब यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अब और इसका विस्तार किया गया है और मंदिर अब कुछ बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, अभी यहाँ पे भोग लगाया गया है और यहाँ पे आसपास के श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और हनुमान जी और भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर कहा जाता है कि आते हैं। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे यह मंदिर कितना पुराना है और कब से लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रहे हैं। चाचा आप इस मंदिर को कब से जाना है, छोड़ दीजिएगा इसको, छोड़ दीजिए सामने देखते। यह मंदिर 1992 में बना है और उस समय पंडित को रखा गया था, 2004 तक हम लोग पंडित को रखे, 4 के बाद जो कुछ पैसा का अभाव से पंडित ने रखा गया, स्वयं मैं पूजा करता था, इनका स्नान ध्यान कराना
और कपड़ा बदलना मेरा ही काम था, ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी मेरा ट्रांसपोर्ट का स्टाफ हूँ। अच्छा। मैं इसी में नौकरी किया, अकाउंटेंट का, रिटायर भी कर गया, फिर भी मैं पूजा करता रहा। यहाँ से ट्रांसफर हो गया पटना, फिर वहाँ से कलेक्शन करके रुपया लाता था, पंडित को रख के उन लोग को 800 रुपया महीना देता था। ये बहुत पुराना मंदिर है, ये हनुमान जी। कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा? ये पूजा करने के लिए डिपो के अंदर जितना भी हैं कर्मचारी, सभी शाम में, सुबह में जो है पूजा पाठ करते हैं। कोई भी कंडक्टर, ड्राइवर, जो भी स्टाफ है, जिला के अन्य जगह से, बनियापुर से, जलालपुर से, प्रसाद से, क्या कहता है, दिगवारा से, सब जगह के स्टाफ। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार सिन्हा। तो एक बार और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे प्रतिमा है, काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है। इस मंदिर को अब यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विस्तार किया गया है। यह मंदिर काफ़ी पुराना रहा है और यहाँ पे पंचमुखी शिव जी का भी लिंग स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे मंदिर काफ़ी पुराना बताया जा रहा है कि मंदिर, जो मंदिर हम लोग की जानकारी में जो है, हम लोग 2 माह पहले यहाँ आए, देखे मंदिर पर जा रहे थे कहीं पूजा करने, वहाँ पर नहीं गए, यहाँ पर आए, पूजा किए, उसी वक्त देखे। उसके बाद हम लोग सभी भक्तजन मिलकर जुलकर अगल बगल से सहायता लेकर मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाए, और उस बार से हम लोग एक लगन से लगे हुए हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और अभी धीरे धीरे हम लोग रोज़ कुछ अलग अलग अपने पंडित जी, जो मेरे महाराज जी हैं, उनके द्वारा पूजा पाठ रोज़ कुछ किया जाता है, जो बहुत से श्रद्धालु सुबह शाम जल चढ़ाने, हनुमान जी का भी पूजा करने। जैसे आज हम लोग का मंगलवार है, आज हम लोग यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ अभी चालू होगा, और ये हर मंगलवार को हम लोग का कोशिश रहता है सभी श्रद्धालुगण के मिलकर ये पूजा पाठ करें। और अपने मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह हुआ। तो ये प्रकाश कुमार सिंह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, हम बात करेंगे। चेचा, यहाँ इस मंदिर का क्या विशेषता है? इस मंदिर का विशेषता है, मंदिर बहुत पुराना है और इस मंदिर को पिछले 15 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था, जिसको हम लोगों ने देख करके 2 से 3 महीना पहले इसको हम लोग फिर से जीर्णोद्वार करा करके हमारे सरकारी बस स्टैंड के स्टाफ लोगों के सहयोग से, कुछ और भक्तजनों के सहयोग से, हमारे अपने भक्तजनों के सहयोग से इस मंदिर को ये करके और हम लोग इसको स्टार्ट किए। आज इस मंदिर का ये स्थिति है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और भगवान से अपनी मन्नत को मांगते हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, यही हमारा सुविचार है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। ये सूरज कुमार सिंह है और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला भी आई हैं और यहाँ पे भक्त बाबा से दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी खास पंचमुखी शिवलिंग को माना जाता है। और अभी बाबा बता रहे थे पंचमुखी लिंग से दर्शन करने से, शिवलिंग से दर्शन करने से क्या फ़ायदा है, सभी विशेषता अगर आप जानना चाहते हैं तो इस खबर को देखना होगा। और ये पंचमुखी लिंग आपको बताते चले कि जिला में बहुत कम ही जगहों पर मिलता है, और यहाँ पर लिंग बस स्टैंड में, छपरा शहर के बस स्टैंड में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो अपने आप में काफ़ी खास है। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।